अब इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीमा हैदर कितनी आसानी से पाकिस्तान से भारत पहुंच गई, और सिर्फ वो अकेली नहीं आई है, अपने 4 बच्चों को लेकर वो पाकिस्तान से कैसे सरहदें लांघकर वो हिंदुस्तान पहुंच जाती है। अब जो जांच एजेंसियां हैं उनके शक की सुई इस वक्त इर्द गिर्द ऐसे घूम रही है कि कहीं सीमा हैदर कोई जासूस तो नहीं है, क्या सीमा हैदर मोहब्बत के नाम पर कोई और मकसद पूरा करने के लिए तो यहाँ पर नहीं पहुंची, और सवाल ये भी है कि क्या सचिन, जो कि इस वक्त सीमा हैदर कह रही हैं मेरे पति हैं और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, इनके मोहब्बत के लिए मैं हिंदुस्तान में आ गई, कहीं सचिन भी कोई मोहरा तो नहीं है, ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप समझिए। सचिन, सीमा और सस्पेंस। सीमा ने क्यों छिपाई पहचान? कैसे बना सीमा का फर्जी आधार कार्ड? सीमा हैदर के कितने मददगार? क्या है सीमा हैदर का असली मकसद? इस वक्त सीमा हैदर केस पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है। जांच एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन सीमा जो थ्योरी बता रही हैं, उसका भी अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा हैदर भारत की नागरिकता पाने के लिए पाकिस्तान से आई हैं, जिसके लिए सीमा हैदर ने सचिन को मोहरा बनाया। ये शक इसलिए जताया गया क्योंकि सीमा की बच्चों के साथ पाकिस्तान से प्यार के लिए भारत आने वाली थ्योरी जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही, और इसी वजह से खुफिया एजेंसियों की नजर सीमा हैदर से नहीं हट रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर प्यार की आड़ में उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा का इस्तेमाल कर रही हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत की नागरिकता पाने के लिए सीमा ने सचिन को मोहरा बनाया ताकि भविष्य में उन्हें भारत में रहने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई दिनों की पूछताछ के बाद भी यूपी एटीएस को सीमा के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई दिनों की पूछताछ के बाद भी यूपी एटीएस को सीमा के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन शक ये जताया जा रहा है कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए ट्रेंड करके भारत भेजा गया है। खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि सीमा का बच्चों के साथ भारत में घुसना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक महिला सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में रहकर भारत आने की पूरी रिसर्च की थी। उसने नेपाल से भारत जाने वाले कुल 8 बॉर्डर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई ताकि उसे पता लग सके कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है और भारत नेपाल के मौजूदा वक्त में रिश्ते कैसे हैं, कहीं सरहद पर चेकिंग अभियान तेज तो नहीं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में ये बात साफ हो चुकी है कि सीमा हैदर बेहद ही शातिर दिमाग की है। भले ही एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला हो, लेकिन शक की सुई अब भी सीमा हैदर के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि सीमा गुलाम हैदर को भारत नेपाल की सरहद पर एसएसबी के होने की जानकारी थी। सीमा पहले सुनोली बॉर्डर से होकर भारत में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दावा है कि किसी तीसरे शख्स ने इस बॉर्डर पर ज्यादा खतरा होने का हवाला देकर उन्हें उस बॉर्डर को क्रॉस न करने की सलाह दी थी। सुनोली और रक्सौल बॉर्डर को लेकर दावा किया जाता है कि वहां सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है।
ऐसे में सबसे ज्यादा चलने वाले बॉर्डर सिद्धार्थ नगर को आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने चुना था। एक बॉर्डर ऐसा था जहां से वो आसानी से जा सकती थी और वो था सिद्धार्थ नगर बॉर्डर। यानी सिद्धार्थ नगर बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जहां पर अमूमन जो चेकिंग होती है सुरक्षा बलों की वो थोड़ा कम होती है और वहां पर से वो आसानी से निकल सकती है, और इसीलिए उसने पोखरा से रक्सौल न जाते हुए सीधा सिद्धार्थ नगर को जाने वाली बस को पकड़ा और उस सृष्टि बस सर्विस के मालिक से बात की, जिसने उसे फ़ोन के जरिए ये जानकारी दी कि आप वहां से जा सकते हैं और वहां पर आपको आइडेंटिटी दिखानी होगी। उसने झूठ भी बोला था, जो नेपाली एजेंसी थी सृष्टि बस सर्विस, उससे ये झूठ बोला गया कि वो भारतीय आइडेंटिटी लेकर चल रही है, और क्योंकि उस बस में जिस बस की हम बात कर रहे हैं वो भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस है और वहाँ पर सिर्फ नेपाली नागरिक या फिर भारतीय नागरिकों को ही आवाजाही होती है, और उसका फ़ायदा उठाया था यहाँ पर सीमा हैदर ने। नेपाल से भारत आने की सीमा हैदर की प्लानिंग सेट थी, इसलिए वो काठमांडू में रुकने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीधे पोखरा पहुंची। पोखरा में फर्जी आईडी पर कमरा लेकर रात बिताई और इसके बाद वो मिशन बॉर्डर एंट्री में लग गई और भारत में दाखिल होकर सचिन मीणा के घर तक पहुंच गई। खास बात ये है कि जब सीमा से उनकी पहचान पूछी गई तो उन्होंने अपनी ससुराल ग्रेटर नोएडा में होने का दावा किया, इसलिए किसी को उन पर शक नहीं हुआ। सीमा हैदर मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 की टीम ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के एक अधिकारी से बात की, जिन्होंने सीमा हैदर के भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने पर जांच की मांग की। उन्होंने ये भी शक जताया कि सीमा ने किसी की मदद से बॉर्डर पार किया होगा, जिसे इस बात की पूरी जानकारी होगी कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है। उसको एसएसबी के चेक करने के बाद फिर आगे जाके एप्लीकेशन है, वहाँ उसको पासपोर्ट या उसका वीजा दिखाना पड़ेगा। टीकाराम का दावा है कि यूपी के सिद्धार्थ नगर के साका बॉर्डर पर लोगों की चेकिंग कम होती है और इसी का फायदा उठाकर सीमा वहाँ से भारत में आसानी से दाखिल हो गई। इस बीच सीमा हैदर मामले की जांच के दौरान यूपी एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पवन मीणा और पुष्पेंद्र मीणा नाम के दो भाइयों को हिरासत में ले लिया। जन सेवा केंद्र चलाने वाले इन दोनों भाइयों पर सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले थे। आरोप है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक करीब 1.5 महीने तक सीमा हैदर रबुपुरा में सचिन के साथ किराए के एक मकान में रही। बताते हैं कि इस दौरान सचिन ने सीमा का फर्जी तरीके से बुलंदशहर के एक जनसेवा केंद्र से आधार कार्ड बनवाया था। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान सचिन ने सीमा का फर्जी तरीके से बुलंदशहर में मौजूद एक जनसेवा केंद्र से आधार कार्ड बनवाया था। आरोप है कि जनसेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन ने सचिन मीणा के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। इसका पता चलते ही यूपी एटीएस की टीम ने जन सेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन को हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर सीमा की पूरी थ्योरी सस्पेंस से घिरी हुई है, जिस पर जांच एजेंसियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है।